फाइनली आपने ट्रेलर देख लिया है आदि पुरुष का, कैसा लगा? आदि पुरुष का महापुरुष हम बोलते हैं, कैसा लगा? बहुत ही प्यारा ट्रेलर है, लाजवाब ट्रेलर है। जैसे कि पहले दिखाया गया था VFX कार्टून के जैसा दिखता था, लेकिन अब पूरा ही चेंज हो चुका है क्योंकि पूरा रियलिटी दिखा। अब जो ट्रेलर देखेगा उससे समझ में आएगा कि क्या आदि पुरुष है क्या। जी, जिस तरीके से प्रभास दिखाई दे रहे, प्रभास के लुक्स को लेके काफी ट्रोलिंग हुई थी स्टार्ट में, कितना CGI, कितना VFX इम्प्रोवाइज हो चुका है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रभास बहुत प्यारे लग रहे हैं किरदार में, और उनके ऊपर श्री राम का जो किरदार है बहुत जम रहा है क्योंकि वो साक्षात श्री राम लग रहे हैं। थोड़ा सा भी VFX एकदम बोलते ना, छोटे छोटे बारीक बारीक चीज को पकड़ा हुआ है VFX। और मैं बात करूँ कृति सनन की, तो उन सीता के रोल में तो बहुत बहुत प्यारी लग रही है। जितने कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या लगता है सबसे बेस्ट आपके हिसाब से कैरेक्टर कौन सा था? सबसे बेस्ट सैफली खान का भी बहुत अच्छा किरदार था, रावण बने हैं, और साथ ही प्रभास का भी बहुत अच्छा किरदार था, कृति सनन का भी था, लेकिन जो हनुमान जी बने उनका भी बहुत प्यारा, क्योंकि पहले हनुमान जी जनेऊ नहीं पहने थे पहले के ट्रेलर में, इस ट्रेलर में हनुमान जी जनेऊ पहने हुए। प्रभास को तो मैं 10 में से 10 दूंगा, लेकिन ट्रेलर को मैं 4.3 देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेलर है, कसम से बहुत अच्छा लगा, सच ए ग्रेट ट्रेलर। क्या बेस्ट क्या लगा ट्रेलर में देखने के बाद? वो जो जाते हैं श्री राम जी जाते हैं जो सीता माता को लेने के लिए, वो मोमेंट बहुत अच्छा था, बहुत मोमेंट अच्छा था वो। प्रभास, कृति एंड जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं, सबसे बेस्ट आपके हिसाब से कैरेक्टर कौन सा? सबसे अच्छा कैरेक्टर है जो मुझे सबसे अच्छा वो लगता है, जो एक बूढ़ी माता रहती हैं उनको बोलते हैं कि मतलब वो नहीं देखा जाता है, हम मतलब वो है इक्वल है, इसलिए मुझे वो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा उनका लगा है। जो टीजर आया था, टीजर के वक्त काफी ट्रोलिंग हुई थी CGI को लेके, VFX को लेके, कितना इम्प्रोवाइज हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में क्या कहना, अभी वो पब्लिक आया कि वो बोलते रहते हैं, अभी बोलते सकता। ओके, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्रभास, हाउ इज इट लुकिंग? सच अ ग्रेट सर, बहुत अच्छे सर। चलो ठीक है, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 एंड व्हाट बेस्ट विशेस यू कैन गिव टू प्रभास? 100-200 कम है उसके लिए, कम है सर। आई लव्ड इट, दिस इज वॉट आई बिन सेइंग, मैं हर किसी को यही बोल रहा हूँ कि मैं इसके लिए पहले से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, थोड़ा बायस सा लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज होस्टिंग दिस और पूरी टीम के साथ था मैं, लेकिन इतना ही कहूँगा एक एक सिने लवर को और एक एक श्री राम के जो प्रेमी हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहेगा। हमने अभी अभी 3D में इसको देखा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। जिस तरीके से प्रभास के लुक को लेकर ट्रोलिंग हो रही थी, सीजे वक्त को लेकर ट्रोलिंग हो रही थी, कितने हद तक इम्प्रोवाइज हो चुका है ट्रेलर में, कैसा जवाब लगा? मुझे लगेगा आपका जब ये वीडियो अपलोड होगा ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही जवाब इसका मिल जाएगा कि कितना सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। और जैसा मैं कह भी रहा था किसी को कि हर किसी की भक्ति अपने हिसाब से है, है ना, आप भगवान राम को किसी और रूप में देखते हैं, मैं किसी में देखता हूँ, कैसे कैसे बहते, तो ही इज़ एवरीवेयर, कण कण में भगवान राम बसते हैं। लेकिन अब जब ये फाइनल प्रोडक्ट लोगों के सामने आएगा, और खास तौर पे जिन्होंने 3D में देखा है, वो खुद इसकी गवाही देंगे और वो खुद बताएंगे कि कितना खूबसूरत है सब कुछ। पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा कौन सा बेस्ट पार्ट लगा है कि यार ये सबसे भाग आया हुआ है, ऐसा कुछ है? हनुमान जी की एंट्री, और हनुमान जी जब वो अपनी पूंछ से कुछ कुछ चीज़ें उड़ा रहे हैं, और जब वो श्री राम को अपने कंधे पे सवार करके या उनको बैठा के लेके जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जब सीता माता यानी कृति इस केस में जब लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, ओह मतलब वो एक इफेक्ट है जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाएगा। क्या बात है, अजय दुल का म्यूजिक इस फिल्म को मिला है, कितने हद तक वो म्यूजिक रोएदार? मैं उनका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट्स योर जैम, तो मेरे लिए देवाश्री गणेशा जो अजय अतुल साहब की बहुत अमेजिंग क्रिएशन है, वो नंबर एक पे रहता है। और अब आप सबने सुना है, मैंने सुना है, जो जय श्री राम चल रहा है इस ट्रेलर में भी, और जो हम सुन रहे हैं जो अभी तक आया है, वो गूजबम्स है, मतलब वो खुद ही आपको उस भक्ति का एहसास करा देता है, इट मेक्स यू फील सो अमेजिंग। लास्ट के दो सवाल, इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है 700 करोड़, क्या लगता है कि सब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दौड़ हो सकती है, किस तरह से जा सकती है? मैं सिर्फ ये कहूँगा ये एक अच्छी फिल्म है, लोगों को मज़ा आने वाला है, नंबर्स की बात मैं नहीं कर सकता, ऑफकोर्स वो जो ट्रेड एनालिस्ट हैं वो लोग करेंगे, मैं ये कहूँगा कि जो जो देखने जाएगा, और आई एम श्योर आज जो रिस्पांस मिला है उसके बाद बहुत सारे लोग देखने जाने वाले हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? आई वुड लव टू गिव इट 5 out of 5। ट्रेलर बहुत अच्छा है, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उससे ज़्यादा कई अच्छे लेवल पे ट्रेलर है, मतलब
मतलब फिल्म कैसी होगी आप सोच सकते हो? बेस्ट पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा कौन सा सीन है या फिर ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपको भाया हो या ये तो सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ लगा? कोई डायलॉग तो ऐसा कुछ देखा नहीं, ध्यान नहीं गया, याद नहीं है कुछ। सीन के बारे में बात करते हैं। सीन तो वही है जो पत्थर तैरेंगे समंदर में, जब श्री राम का नाम लिखेगा और पत्थर तैरेंगे, उससे बड़े कोई सीन हो ही नहीं सकता। प्रभास कैसे लग रहे हैं श्री राम? प्रभास के कैरेक्टर को कैसे न्याय दे पा रहे हैं? प्रभास तो सबसे ज्यादा न्याय दे, सबसे बेस्ट आपको कैरेक्टर कौन सा लगा जितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए? देखो मैं प्रभास का फैन हूँ तो मैं सिर्फ प्रभास के बारे में बात करूँगा, तो प्रभास मेरे को प्रभास बहुत बढ़िया लगे और कृति भी अच्छी लग रही है। अजय तिल का म्यूजिक इस फिल्म को ज्यादा करके कंपोज हुआ है, इस फिल्म अच्छा। कंपोज हुआ है कितने आज तक, वो बेस्ट बना है म्यूजिक उसके बारे में आपका राय? अच्छा, उन्होंने तो बेस्ट बनाया बहुत, पर मुझे ही नहीं पता था अजय तिल का म्यूजिक है इसमें, तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब अभी तो एक ही BGM सुना है मैंने, तो बहुत अच्छा है वो। चलो ठीक है, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 एंड CGI वगैरह कितना इंप्रूव हुआ है? इंप्रूव तो है, मतलब टीज़र और ट्रेलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो मेरे को पहले टीज़र में दिख रहा था वो ट्रेलर में कुछ है नहीं ऐसा, और 4 स्टार तो दूंगा मैं ट्रेलर को देख के, मूवी देख के शायद से 5 भी। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, इस फिल्म का बजट बताया जा रहा 700 करोड़, क्या लगता है किस हद तक फिल्म की कमाई हो पाएगी? ये मैं कैसे बता दूँ, मतलब एक आंकड़ा कितना कर पाएगी, किसे क्रॉस कर पाएगी जिस तरीके से? अगर वर्ल्ड वाइड चलती है तो 700 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो हफ्ते में कर लेगी अचीव अगर वर्ल्ड वाइड अब ज़्यादा बूम आता है फिल्म का। बाकी मैं कोई एनालिस्ट हूँ नहीं इस चीज़ में, तो मैं क्या कहूँ।